हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, ज़रा बताइए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी के साथ मज़े कर रहे होंगे। तो पिछले का सेशन हम लोगों ने आधुनिक भारत का शुरू किया था, हम उम्मीद करते हैं आप एंजॉय कर रहे होंगे उसको। और उसी सिलसिले को जारी रखने के लिए आज हम लोग उसका तीसरा कड़ी लेकर आए हैं। मैं कुमार गौरव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डेस्टिनेशन पर। और आज हम आधुनिक भारत के तीसरे पार्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पिछले सेशन में हमने देखा था किस तरह से औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन एकदम ताश के पत्तों की तरह से ढह जाती है। वहाँ पे कोई ऐसा वर्चस्व और पावरफुल इंसान नहीं आता जो अपने शासन को गद्दी को फिर से संभाल सके, जो मुगल शासन की जो गरिमा थी, उसकी जो बादशाहत थी, उसको वो मेंटेन कर सके। तो इसी कड़ी में उसका सबसे बड़ा पुत्र आता है। हम लोग एक क्विक रिविजन देखेंगे दोस्तों। सबसे बड़ा पुत्र आता है बहादुर शाह प्रथम, जिसको कि साहिब खबर के नाम से भी जाना जाता है। वो भी कुशल तो नहीं था, फिर भी अगर इतिहासकारों की माने तो मुगल शासन में कोई अंतिम योग्य शासक था तो वो बहादुर शाह प्रथम को ही माना जाता है, ठीक है। और इसको साहिब खबर के नाम से जाना जाता है। और साहिब खबर यानी कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद शुरू होती है वर्चस्व की लड़ाई, कि जो उसमें गुट जो बढ़ जाता है हमारे उस मुगल शासन के अंदर ही, प्रशासन के अंदर ही जो चार गुटों में लोग बढ़ जाते हैं, यानी कि हमने बताया था आपको ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी, जिसमें कि सबसे दोयम दर्जे का हिंदुस्तानी गुट माना जाता था। और जो उस समय सबसे शक्तिशाली गुट था वो था ईरानी गुट, और उसी का नेता जो था जुल्फिकार खां, उसी ने अपने वर्चस्व का पावर का इस्तेमाल करते हुए जहांदार शाह को गद्दी पर बिठाया था। और इसी को जो है सो इतिहासकारों ने लंपट मुठ के नाम से भी जाना जाता है। जहांदार शाह भी बहुत ज़्यादा योग्य शासक नहीं था और इसको ईरानी गुट वालों ने बनाया। यहाँ से फिर शुरू होती है, यहाँ से फिर हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा हिंदुस्तानी गुट है वहाँ का जो मुख्य नेता था यानी कि सैयद बंधु, जिसमें कि अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, हमने कल पिछले सेशन में आपको बताया था कि किस तरह से सैयद बंधु पावर में आता है और वो अपने दम पे चार शासकों को गद्दी पे बिठाता है मुगल शासन में। और यही वजह है कि वो हमारे उसको इतिहासकारों ने नृप निर्माता के रूप में जाना जाता है, यानी कि नृप निर्माता मतलब किंग मेकर, यानी कि सैयद बंधु को हम लोग किस नाम से जानते हैं, किंग मेकर। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलता है कि किंग मेकर के नाम से कौन जाना जाता है मुगल प्रशासन में, तो वो आ जाएगा सैयद बंधु। ये वही सैयद बंधु है दोस्तों जिसके पिता को अकबर ने पटना के बगल में एक ज़मीन दिया था जो कि 12 गांवों का समूह था। वही बाद में बराहा कराया, फिर बाढ़ा कराया और वही जाके अब बाढ़ के नाम से जाना जाता है। जो पटना या फिर बिहार से रिलेटेड जो भी हमारे स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको पता होगा कि पटना के बगल में जो बाढ़ है वो इसी ऐतिहासिक कड़ी से जुड़ा हुआ है। तो इस कड़ी को इसी कड़ी में हम लोग देखे थे दोस्तों कि सैयद बंधु ने किस तरह अपना वर्चस्व, अपना पावरफुल जो है सो धीरे धीरे होने लगा उसके शासन में। और सबसे पहले उसने किसको बनाया था, फर्रुख शेर को। और फर्रुख शेर को भी जो है सो और फर्रुख शेर भी बहुत अच्छा योग्य शासक नहीं होने की वजह से इसको भी घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात था सैयद बंधु के शासनकाल में दोस्तों, कि उस समय सिख नेताओं का भी एक जो है सो विरोध चल रहा था, क्योंकि मुगल और सिख दोनों समान रूप से चल रहे थे। तो सिख नेता यानी कि उस समय एक नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था जिसका नाम था बंदा बहादुर या बंदा सिंह। ये एक सिख नेता के रूप में मुगलों का बहुत विरोध करता था और सिख धर्म को प्रचार प्रसारित करने का उसने जिम्मा उठाया हुआ था। तो उसी को जो है सो फर्रुख शेर ने अपने शासनकाल में पकड़ा था, बंदी बनाया था और उसके सामने दो ऑप्शन भी रखा था कि या तो तुम 2 लाख रुपया दे दो या फिर इस्लाम को स्वीकार कर लो। तो उसने इस्लाम धर्म को कबूल किया और ना ही पैसा दिया, तो इस वजह से फर्रुख शेर ने उसकी भी हत्या कर दी थी। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बंदा बहादुर या फिर बंदा सिंह के नाम से जाना जाता है। ये सिख नेता था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से शुरू होती है कड़ी सैयद बंधु की। और सैयद बंधु ने इसके बाद फर्रुख शेर की भी हत्या होने के बाद हमने देखा था कि रफ़ीउद दर्जात और रफ़ीउद्दौला इस दो शासकों को आया, लेकिन वो भी एक जो सो टीबी के कारण मारा गया और एक अफिमची होने के कारण वो भी अपना विकेट जल्दी ही गंवा दिया। तो यहाँ से शुरू होती है अब सैयद बंधु के जो कैरेक्टर था, जिस तरह से किंग मेकर का उसको उपाधि मिला और जो उसका अपना रुतबा था उसके अनुरूप उसने शासन अपने शासकों को बना नहीं पाया, यानी कि जो भी आया वो बहुत जल्दी मारा गया और दूसरा वो अयोग्य था। तो अब सैयद बंधु के सामने चैलेंज था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को बनाऊं जो खुद से शासन को चला सके और हमारे बात को भी माने। तो इसी कड़ी में उसने
19 साल का जो आपका 19 साल का एक शासक जिसका नाम था मोहम्मद शाह। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मोहम्मद शाह के बारे में हम लोग आ जाते हैं। सैयद बंधु के सहयोग से बना, इसका जो ओरिजिनल नाम था वो अख्तर रोशन अख्तर था। और इसने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का था दोस्तों। इसकी बस एक ही कमजोरी थी, वो थी कन्याएं। और मतलब महिलाओं में इसकी बहुत ज़्यादा रुचि होने की वजह से जब इनके सामंतों को पता चला कि ये इस तरह का इस कैरेक्टर का इंसान है, तो उसने भरभर के गिफ्ट में महिलाओं को उसको खुश करने के लिए गिफ्ट करता था महिलाओं को कि चलो मेरा काम निकलते रहे ताकि मेरा शासक खुश रहे ताकि मेरा काम निकलते रहे। तो इस वजह से उसने महिलाओं को गिफ्ट करना शुरू किया। और उस समय ऐसा हो गया था कि मुगल शासन में लड़कियों का महिलाओं का छत पर निकलना मुश्किल हो गया था। जिस भी सामंत का नज़र पड़ता वो शाम को उसके दरबार में हाजिर हो जाती उसके कहने पर। तो इस कैरेक्टर का था आपका मोहम्मद शाह। और इसी वजह से उसको इतिहासकारों ने रंगीला बादशाह के नाम से भी नवाजा था। आप यहाँ देख सकते हैं मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। और ये इतिहासकारों का दिया हुआ नाम था उसके कैरेक्टर के वजह से। और इसके वजह से यानी कि वो महिलाओं में ज़्यादा इंटरेस्टेड होने की वजह से वो अपने शासन प्रणाली को ठीक ढंग से सुचारू ढंग से चला नहीं पा रहा था। और वही स्थिति थी कि बस ले दे के शासन चल रहा है। बट दोस्तों उसके शासन में उसके प्रशासन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा था जो कि बड़ा शासन प्रिय आदमी था। और जिसको लगता था कि नहीं, हम जो मुगल शासन में जो भी अभी प्रशासक बना हुआ है जो भी गद्दी पे हैं उसको लेकर उसके साथ मिलकर हम इस मुगल शासन को अच्छे ढंग से चला सकते हैं, यानी कि उसको राजदरबार को नियमानुसार चला सकते हैं शासन प्रिय व्यक्ति होने की वजह से। और वो बंदा था चिंगरीज खान, ठीक है। और चिंगरीज खान को ही निज़ामुल उल्क की के नाम से जाना जाता है, निज़ामुल मुल्क। ध्यान देना दोस्तों, किसी किसी बुक में या तो निज़ामुल मुल्क लिखा रहता है या फिर आपका चिंगरीज खान, तो दोनों एक ही करेक्टर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, निज़ामुल मुल्क बोले या फिर आपका चिंगरीज खान बोले, दोनों सेम करेक्टर हैं। तो ये चिंगरीज खान काफ़ी अनुशासन प्रिय व्यक्ति होने की वजह से वो बार बार समझाता था मोहम्मद शाह को कि आप इधर भी थोड़ा ध्यान दे दो, बट ये मानने वाला इंसान नहीं था, इसका ध्यान उधर ही था। हरम के बारे में हमने पिछले बार चर्चा किया था कि हरम में महिलाएं आपको वो राजा लोग अपने अयासी के लिए अपने जो सो भोग विलास के लिए हरम की महिलाओं का उपयोग किया करता था, तो इसका ध्यान उधर ही रहता था, इधर आता नहीं था। चिंगरीज खान ने बहुत कोशिश किया कि थोड़ा इधर भी ध्यान दो, बट वो उसका जो सो रामोकरम पे जीता था, हरम के रामोकरम पे जी रहा था, हरम में ही उसका धर्म था, तो वो जो सो मानने वाला इंसान नहीं था। तो चिंगरीज खान भी बहुत परेशान हो गया कि ऐसे तो शासन चलने वाला नहीं है। तो चिंगरीज खान ने सोचा कि हो सकता है कि ये सैयद बंधु के दबाव में जो सो, क्योंकि बनाया तो सैयद बंधु नहीं था, वही था इसका जो सो निर्माता, तो उसको ऐसा लगा कि हो सकता है कि सैयद बंधु के प्रभाव की वजह से ये खुल के शासन प्रणाली को नहीं अडॉप्ट कर रहा है या फिर उसको अपने हाथ में नहीं ले पा रहा है। सोचा कि क्यों ना सैयद बंधु को ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो उसने षड्यंत्र शुरू किया और एक भाई को जो सो मरवा दिया, जो सो तलवार से उसको गला कटवा के उसका हत्या करवा दिया, और दूसरे भाई को जेल में रखवा दिया, उसको भी जहर दे के मार दिया गया। इस तरह से सैयद बंधु का अंत हो जाता है किसके शासनकाल में, आपके मोहम्मद शाह के शासनकाल में। और इसका विकेट लेने वाला कौन था, चिंगरीज खान। तो इसके बाद चिंगरीज खान को लगा कि चलो अब कहीं सुधर जाए, मोहम्मद शाह जो है सो अब रास्ते पे आया और जो है सो अपने शासन प्रणाली को अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करे और मुगल शासन की गरिमा को फिर से बढ़ाए। बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे चिंगरीज खान फिर से समझाया उसको, बहुत कोशिश किया, लेकिन वो मानने वाला इंसान नहीं था। तो चिंगरीज खान क्या करे, एक बार जो है सो उसने भी, अब उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि उसके मन मुताबिक यहाँ शासन हो नहीं रहा था और इतने कमज़ोर शासन प्रणाली में वो रहना नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया, एक बार शिकार करने का जो सो बहाना बनाकर चला गया हैदराबाद की तरफ, ठीक है। और वहाँ पे उसने दक्षिण की तरफ जाने के बाद उसने हैदराबाद साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ पे दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप हमेशा इसको याद रखना, जो भी फैक्ट है मैंने लिख दिया है और फैक्ट आप नोट भी कर देना जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये फैक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो हैदराबाद साम्राज्य की स्थापना तो चिंगरीज खान ने किया था, बट हैदराबाद शहर की स्थापना की अगर बात पूछे तो आपको पूछेगा तो वो आ जाएगा मोहम्मद कुली। मोहम्मद कुली ने हैदराबाद
शहर की स्थापना की थी, बस साम्राज्य की स्थापना किया था चिंगरेज खान ने। अब यहाँ पे अंतर क्या है दोनों में दोस्तों? एक्चुअली में हैदराबाद जो है सो एक बहुत ही मतलब लव स्टोरी वाला शहर है, ठीक है। एक्चुअली में जो कुली है मोहम्मद कुली की प्रेमिका का नाम था हैदर, और जिस तरह से हमने देखा था आपको पता होगा थोड़ा कि शाहजहाँ और मुमताज़ की प्रेम कहानी काफ़ी पॉपुलर हुई थी, उसी तरह इसका भी कहानी था कि कुली खान की प्रेमिका थी हैदर और उसने इसी के नाम पे एक शहर का निर्माण कराया जिसका नाम हुआ हैदराबाद। और लेकिन जो साम्राज्य था उसका जो फ्रेमवर्क बनाया था वो बनाया था चिंगरेज खान। जैसे कि मैं बोलूँ कि दिल्ली का शासक कौन है और दिल्ली की स्थापना किसने की, दोनों अलग चीज़ें। आपने मान ली स्थापना की दिल्ली की, साम्राज्य की स्थापना की आपने, बट शासक मैं हूँ, तो यहाँ पर इस तरह का कन्फ्यूजन आप मत रखना। अगर हैदराबाद शहर की स्थापना के बारे में पूछे तो वो आ जाएगा आपका मोहम्मद कुली आ जाएगा, लेकिन अगर वो साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो चिंगरेज खान आ जाएगा, तो इसको ध्यान रखना। तो यहाँ से चिंगरेज खान चला जाता है अपना हैदराबाद दक्षिण की तरफ, अपना प्रशासन संभाल रहा है और यहाँ सब कुछ उसी तरह चल रहा है। मोहम्मद शाह सुधरने वाला व्यक्ति था नहीं, उसने अपने रवैये में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, जिस तरह से प्रशासन ढोलमोल तरीके से चल रहा है। तो यही मुगल शासन के प्रकार, मुगल शासन में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यानी कि उस समय जो सबसे सुदृढ़ और सबसे संपन्न राज्य माना जाता था वो था बंगाल। तो बंगाल ही सेपरेट हो गया था क्योंकि इसके ढोलमोल नीति की वजह से, प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी की वजह से अवध में भी जो है सो सयादत खान ने अपना एक अलग साम्राज्य बना लिया। उसके बाद फिर बंगाल भी मुगल शासन से अलग हो चुका है। अभी अभी हमने देखा था कि चिंगरेज खान ने भी हैदराबाद साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, यानी कि अब टुकड़े टुकड़े जो है सो बट रहे थे साम्राज्य, हमारा मुगल साम्राज्य, ठीक है। और इस ये लापरवाह चल रहा है, इसको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसके पास दिमाग ही नहीं है, ये सिर्फ लगा हुआ है अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने में। नादिर शाह, ठीक है, जो कि ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि ईरान के नेपोलियन के नाम से कौन जाना जाता है, तो आपका हैदराबाद ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है आपका नादिर शाह। ये एक नंबर का लुटेरा और इसको सिर्फ संपत्ति से मतलब है, और नादिर शाह काफ़ी सुना हुआ था भारत के बारे में कि काफ़ी संपन्न राज्य है और इसकी बहुत इच्छा थी कि एक बार हम भारत को लूटें, तो इस तरह का नेचर का था आपका नादिर शाह। नादिर शाह की भारी इच्छा थी कि हम भारत को लूटें, वहाँ से संपत्ति को अर्जित करें, और इसी क्रम में वो अब जो सो धीरे धीरे बढ़ते हुए आपका जो अभी करनाल यानी कि वर्तमान का करनाल, जिसको कि बुनकरों का शहर बुनकरों की नगरी कहा जाता है, ठीक है, में वो अपना धमक बना चुका था, वहाँ तक वो पहुँच चुका था। और ये बात से बेखबर मोहम्मद शाह, उसको लोग बोल भी रहे हैं, उसके प्रशासन के सामंत भी उसको चेता रहे हैं कि भाई नादिर शाह कभी भी आक्रमण कर सकता है, बट इसके कान पे जू तक नहीं रेंगता और ये अपने ढटे से ही शासन को चलाया जाता है। फिर एक दिन अनायस ही, जब वो होता है ना जो मंडली जो होती है प्रशासन में, उसमें किसी ने ऐसा चर्चा किया कि ठीक है देखते हैं जब नादिर शाह आएगा तब देखते हैं कि किस तरह ये मोहम्मद शाह अपने आप को बचाता है या उसे पिटने से या फिर अपने साम्राज्य को बचा पाता है। तो जैसे ही ये बात सुना तो नादिर मोहम्मद शाह को थोड़ा सा ये बात चुभ गया, तब वो सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा। तो अब ऐसा कौन शासक है या फिर ऐसा कहाँ से वो मदद मांगे कि वो अभी इस तत्कालिक परिस्थिति से उसको निकाल सके ताकि हमारा साम्राज्य बच सके। तब वो बुलाता है अवध के नवाब सयादत खां को और हैदराबाद का जो यहाँ से जो गया था चिंगरेज खान, इन दोनों को न्योता भेजता है, उससे आग्रह करता है कि तुम यहाँ आओ और यहाँ की परिस्थिति को संभालो, शासन व्यवस्था को ठीक करो। और इसके विनम्र आग्रह को ये दोनों बड़ी भांति इसको स्वीकार करते हैं और आते हैं। और अभी मैंने बताया कि चिंगरेज खां का जो शासन था, चिंगरेज खां का जो सेना था, वो अपने लावा लश्कर के साथ करनाल पहुंच चुका है, और ये घटना है 1739 की, ठीक है दोस्तों। अब एक तरफ आपका नादिर शाह का सेना और दूसरी तरफ चिंगरेज खां अपना सेना लेके इधर तैयार है। चिंगरेज खां बढ़िया से जानता है कि मुगल शासन का जो सेना टुकड़ी है या फिर जो भी सैन्य व्यवस्था है, अब वो चलता फिरता कंगाल हो गया, चलता फिरता का थिएटर हो गया, उसमें अब कोई जान नहीं है। अगर लड़ाई होगी तो
जो सो हार निश्चित है मुगलों की। तो चिंगेज़ खान और ये भी जानता था चिंगेज़ खान अच्छे से कि नादिर शाह का जो करेक्टर था कि वो यहाँ आया है साम्राज्य हड़पने के लिए या फिर यहाँ पर शासन करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक लुटेरा था, वो यहाँ से धन अर्जित करता और धन अर्जित करके वापस चला जाता। इसके मेंटेलिटी को चिंगेज़ खान अच्छे से जान रहा है, ठीक है। तो चिंगेज़ खान जाता है नादिर शाह के पास और नादिर शाह को बोलता है कि तुम यहाँ पे ना तो शासन करने आए हो और ना ही यहाँ के साम्राज्य से तुम्हें कोई मतलब है। इस बात को तुम भी जान रहे हो और हम भी जान रहे हैं। तो तुम्हारा जो ध्येय, तुम्हारा जो उद्देश्य है कि तुम यहाँ को लूटपाट करने आए हो, तो तुमने जो मन मुताबिक जो भी राशि तुम अपने हिसाब से जो भी एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे यहाँ से इतना ले जाना है, तुम बोलो, मैं उसकी व्यवस्था करवा देता हूँ और तुम और यहाँ से तुम चले जाओ। तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि उस समय 50 लाख पे नादिर शाह मान गया, 50 लाख लेकर वो वापस जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, ये डील पक्की हो गई और चिंगेज़ खान भी अब राहत की सांस ले रहा था कि चलो उसको पैसा देकर हम निश्चिंत। बट यहाँ पे नादिर शाह को पता नहीं क्या सोचता है, वो बुलाता है सियादत खान को। सियादत खान आता है, नादिर शाह जब उससे मिलने गया तो नादिर शाह ने बोला कि आपने 50 लाख पर कैसे एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल को, आपको तो कम से कम 2 करोड़ यहाँ से मिलता। तो नादिर शाह को लग गया यहाँ तो 1.5 करोड़ का खड़े खड़े नुकसान है। तो इस तरह से नादिर शाह अपना प्लान बदल देता है, वो फिर से पैगाम भिजवाता है। लेकिन पैगाम भिजवाने से पहले एक घटना होती है दोस्तों, इसी बीच क्या होता है ना कि दिल्ली के गलियारे में एक अफवाह फैल जाती है कि नादिर शाह मारा गया। अब नादिर शाह मारा गया तो जो मोहम्मद शाह के जो सैनिक थे वो खुशी खुशी 10-15 नादिर शाह के सैनिकों को निपटा देते हैं, उसका विकेट ले लेते हैं। अब जब इस बात की भी जब खबर नादिर शाह को मिलती है तो वो आग बगुला हो जाता है। अब जो है सो पूरे लावारिस के साथ वो दिल्ली की तरफ आता है और दिल्ली के शहर को लहू लिहान करके मतलब पूरा नस्तो नाबूद कर देता है। लड़ाई मारपीट अपने उसके मतलब जो सिविल यानी कि सैनिक तो चलो ठीक है, बट जो सिविल लोग हैं उनको भी मारना उसने शुरू कर दिया। उसने दोस्तों क्या किया कि पूरे शहर का जितने भी रईस थे, एक पैनल बनाया उसने कि कितने कितने अरबपति कितने करोड़पति यहाँ पर जो भी जितने रईस जाते हैं उस सबका एक पैनल बनाया उसने और वहाँ से उसने धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट उसको 2 करोड़ रुपया तो नहीं पूरा। अब 2 करोड़ रुपया नहीं पूरा तो अब शक होने लगा कि सादत खान ने बोला था कि कम से कम 2 करोड़ रुपया तो मिलेगा ही, मतलब ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन इस तरह का कुछ उसका एक्सपेक्टेशन पूरा हो नहीं पाया तो उसने बुलावा भेजा सियादत खान को। अब सियादत खान जान रहा था कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं मारा ही जाऊंगा, तो उसने जाने से मना कर दिया कि मैं तो जाने वाला नहीं हूं। अब नादिर शाह ने दोबारा उसको बुलावा भेजा और दोबारा भेजने के बाद नादिर शाह सोचा कि अगर मैं जाऊंगा तब भी मारा जाऊंगा, अगर वो आके मारा मुझे तब तो और ख़तरनाक होगा। तो इसलिए उसने सीधा सा रास्ता चुना, जहर उठाया और उसने आत्महत्या करके वो अपनी जान दी। यानी कि सियादत खान जो है आपका अवध का नवाब, अवध का शासक, ये जहर खा के खुद की जान ले लेते हैं। तो यहाँ से वो तो बच जाता है नादिर शाह के प्रकोप से, बट नादिर शाह अभी भी बेचैन है, अभी वो पैसे की तलाश में धन की अपेक्षा लिए हुए पूरे 53 दिन तक वो भारत में बिताया, दिल्ली में बिताया और पूरा तहस नहस कर दिया पूरे साम्राज्य को। इसी बीच उसे बताया किसी ने कि आप जो सिविलियंस को मार रहे हो या फिर जो सैनिक को मार रहे हो, इससे आपको क्या फ़ायदा है, आप चले जाओ। मतलब उस समय लाल किला काफ़ी फेमस था और वहाँ पे जो है सो सारा धन जो है सो रखा जाता था। तो उसके बारे में उसको बताया किसी ने कि आप वहाँ पे जाके हमला करो, वहाँ आपको मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इधर नादिर शाह जो है सो अब सोचता है कि अब कुछ किया जाए लाल किला की तरफ, और वो लाल किला की तरफ जाता है। आपने इतिहास में सुना होगा दोस्तों कि और लाल किला में है दोस्तों तख्ते ताऊस एक सिंहासन है जिसको कि मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है। आप लोग इतिहास में शायद वो थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो ये तख्ते ताऊस उस समय शान हुआ करती थी और ये कम से कम 6 फीट ऊंचा और 9 फीट चौड़ा, यानी कि हम लोग के लिए समझो डबल बेड, फर्स्ट क्लास डबल बेड था वो, और वो सिर्फ सोने और हीरे मोती से जरा हुआ था। और उसी तख्ते ताऊस में, वो तख्ते ताऊस को रखा हुआ था लाल किला में,
और उसी तख्ते ताऊस में उस समय दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, जो कि हम लोग कोहिनूर के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ा हीरा वहाँ पे उसमें सजा हुआ था। तो जैसे ही नादिर शाह आया था और शाहजहाँ मोहम्मद शाह ने उस हीरे को निकाल के अपने पास रख लिया था। जब अपने पास रख लिया था, क्योंकि उसको पता था कि नादिर शाह अगर आएगा तो इसको भी छोड़ेगा नहीं, वो मयूर सिंहासन जिसकी मैंने अभी चर्चा किया, वो मयूर सिंहासन इतना कॉस्टली था, यानी कि इतिहासकारों ने एग्जैक्ट तो कुछ नहीं बताया, बट इतना कहा जा सकता है कि उससे जो है सो आधे दुनिया के आधे जनसंख्या का जो है सो पेट भरा जा सकता था, इतना कॉस्टली था मयूर सिंहासन। ठीक है, तो लाल किला के बारे में जब ये जानता है नादिर शाह तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है और तख्ते ताऊस, और उसको ये भी पता चल जाती है कि इसके पास कोई हीरा है जो कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। तो नादिर शाह को जब पता चलती है कि कोहिनूर हीरा कहीं छुपा के रख दिया गया है या फिर मोहम्मद शाह ने कहीं छुपा के रखा है, तो इसका छानबीन तो पहले से कर ही रहा था बट उसे पता नहीं चल पाता है। तो इसी क्रम में उसे किसी ने बताया कि आप यहाँ पर जो अपना समय व्यतीत कर रहे हो, इससे अच्छा था कि आप हरम में चले जाओ जहाँ की कोई ना कोई महिला है, कोई ना कोई औरत जो कि मोहम्मद शाह से जो जुड़ी हुई होंगी, वो कोई ना कोई आपको बता देगी कि ये राज कहाँ छुपा के रखा है मोहम्मद शाह ने। और ऐसा ही हुआ, मोहम्मद शाह ने, नादिर शाह ने वहाँ पे भी आक्रमण किया, वहाँ पे हरम की जितनी महिलाएं थी उनसे भी पूछताछ करके उस आखिर उसे पता चल ही गया कि हीरा कहाँ छुपा है। क्या हुआ था दोस्तों कि मोहम्मद शाह को जैसे ही ये पता चला था कि नादिर शाह आक्रमण करने वाला है, वो तभी से वो हीरा अपने मुकुट में छुपा कर रखा था। ये बात जब नादिर शाह को पता चलती है तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह के घर में पार्टी देता है, एक जश्न का माहौल बनाता है कि चलो हम अपने जीत का जश्न मनाएंगे और यहीं मनाएंगे। तो इस तरह से शाम का समय है, मसालों से जगमगाता हुआ महल और पार्टी शुरू होती है, एक तरफ मोहम्मद शाह और एक तरफ नादिर शाह मोहम्मद शाह की तारीफों के पुल बांधे हुआ है। नादिर शाह मोहम्मद शाह के तारीफ की कसीदे पढ़ रहा है और उससे बोल रहा है कि भले आपने ये जंग हार गया बट आपके लड़ाकों ने बड़ी जवाजी से सबका सामना किया, आपका जो मुग़ल प्रशासन है ये एक ऐतिहासिक प्रशासन है और बड़ी सशक्त है और मैं यहाँ से बहुत प्रभावित हूँ। किसी भी शासक का जो इज्जत होता है, जो मान होता है, मर्यादा होता है, वो उसके मुकुट में होता है, तो क्यों ना मैं अपने जीत का मुकुट आपको दे दूँ और आपके हार का मुकुट मैं अपने सर पर सजा लूँ। जैसे ही ये बात सुनता है मोहम्मद शाह का टावर छोड़ देता है, वो भारी टेंशन में आ जाता है कि आखिर इसको ये बात पता चला कैसे। वो भी अपने मन में मन समझ जाता है कि मैंने ये बात कहा था कहाँ, वो भी बोलता है दीवाना हुआ मैं भी ऐसा, कौन भला है मेरे जैसा, दीवाना हुआ मैं भी ऐसा, कौन भला है मेरे जैसा, मैं रोऊं मैं तड़पूं ये सजा है मेरी, सनम बड़ी बेवफा है मेरी। तो उसको समझ में आ जाता है कि हरम में कोई महिला इसको बता दिया। तो इसी क्रम में जब वो चाहता है कि मैं मुकुट उतारूं तो उस समय हीरे को छुपा लूं, इसी क्रम में क्या होता है कि हीरा छिटक जाता है उसके हाथ से, और जैसे वो हीरा नीचे गिरता है, जब मसालों की रोशनी उस पर पड़ती है, पूरा जगमगा जाता है, एकदम लगता है जैसे कि वेपर लाइट जल रहा है। आप हीरे की चमक तो समझ ही रहे हैं, उस समय सबसे बड़ा था दुनिया का हीरा, वो 119 कैरेट का हीरा। तो उसी वही रोशनी को देख के नादिर शाह के मुँह से अनायास ही निकल जाता है, क्या यही है कोहिनूर, यानी कोहे का मतलब होता है पर्वत और नूर का मतलब होता है रोशनी से भरा हुआ, यानी कि अगर कोहिनूर का बात करें तो वो रोशनी से, यानी कि पर्वत का रोशनी, इसको हम लोग शाब्दिक अर्थ इसका निकाल सकते हैं। तो इस तरह से वो तत्कालिक हीरा, यानी तत्कालिक जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरा था 119 कैरेट का, बट अभी तो नहीं, अब तो 109 कैरेट का है और ये लंदन में है, ये चला जाता है भारत से बाहर और ये फिर वापस आएगा भारत के अंदर। मैं आपको बताऊंगा जब पंजाब प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नादिर शाह वहाँ से जो है सो तख्ते ताऊस और हीरा को लेकर वापस चला जाता है, पूरे साम्राज्य को उसने हिला कर रख दिया, नस्ते नाबूद कर दिया, और वहाँ पे मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों के बाद। और मोहम्मद शाह के बारे में आपको मैं बता दिया हूँ जो फैक्ट है कि इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है, ये 1948 तक शासन किया, और नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वो 1739 में हुआ था करनाल में। ठीक है, करनाल में वो पहले आया था, उसके बाद उसने दिल्ली की तरफ अपना रुख किया।
ओके दोस्तों, तो आज के सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज रंगीला बादशाह के बारे में जान के आपको बहुत मज़ा आया होगा। इस चैनल के सारे वीडियो को देखते रहिए, वहाँ से कुछ सीखिए और जितने भी फैक्ट हैं, अगर आपको कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।